कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबा दें। नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड की एक बड़ी खबर हम आपको आज फिर दिखाने जा रहे हैं राजधानी लखनऊ से, बागपत का दूल्हा। जी हाँ, 15 नवंबर को ये फिल्म रिलीज हो रही है और इसके जो प्रमुख अभिनेता हैं, हीरो जो हैं जय सिंह, उनके साथ में असरार अहमद आज राजधानी लखनऊ पहुँचे और नेशनल वॉच के साथ आने वाली फिल्म बागपत का दूल्हा को लेकर के दिल खोल करके इन्होंने बातें करी। दोस्तों, ये कहानी बागपत के एक केबल ऑपरेटर की है, एक हीरो है एक हीरोइन है, जिनमें दोनों में आपस में नहीं बनती है, परिवारों में भी दुश्मनियां हैं, लेकिन किसी वजह से ये एक होने के लिए सोचते हैं और दोनों की शादी तय की जाती है। पूरी फिल्म इसके इर्द गिर्द घूमती रहती है कि ये दोनों लोग शादी से बचने के तमाम नुस्खे और टंटे अपनाते हैं। एक कॉमेडी और रोमांस से भरी हुई ये फिल्म है। जय सिंह ने आज बताया, जय सिंह जो हैं वो जामनगर गुजरात के रहने वाले हैं, हीरा व्यवसायी हैं और ये केवल हीरो बनने के लिए ही फिल्म में आए हैं। इससे पहले ये मिस्टर जामनगर और बॉडी बिल्डिंग की जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें साउथ गुजरात को भी ये रिप्रेजेंट कर चुके हैं, मिस्टर साउथ गुजरात रहे हैं। और इस फिल्म के माध्यम से, चूंकि गुजरात के रहने वाले हैं तो बागपत की खड़ी बोली काफ़ी इनको दिक्कत हुई, लेकिन चूंकि ये स्टेज वगैरह कर चुके थे इसलिए इन्होंने इसको परफॉर्म किया। अच्छा, इसमें और जो है वो पूरी तरीके से ये कॉमेडी फिल्म है जिसको करण कश्यप ने लिखा है और रक्षा बरैया द्वारा निर्मित इस फिल्म का निर्देशन भी करण कश्यप ने किया है। उनके साथ में सुहास सिंह और कनुप्रिया ने इस फिल्म के गीतों को लिखा है और विष्णु विक्रम और करण कश्यप ने ही इस फिल्म में संगीत भी दिया है, संगीत दिया है चांद सक्सेना ने। फिल्म के कोरियोग्राफर हैं देवांग परदेसी और भरत चाहण। साजिश शेख ने इस कैमरामैन है जिसने खूबसूरती से कैद किया है। एक्शन है हीरा मास्टर का और पार्श्व संगीत दिया है चंदन सक्सेना और करण कश्यप ने। फिल्म के मुख्य सितारों की बात करें तो जय सिंह से हम आपकी बात करवाने जा रहे हैं, इसके अलावा असरार अहमद यहाँ मौजूद हैं, उनके अलावा रुचि सिंह, लोकेश मलिक, जिया चौहान, रजा मुराद। जी हाँ, बहुत बड़ा नाम है रजा मुराद, इनको आप अब तक खलनायकी करते हुए देखते आए हैं लेकिन बागपत का दूल्हा में ये पूरी तरीके से कॉमेडी करते दिखेंगे। ललित परीमू, रवि झंकाल, अमिता नागिया, पुनीत विशिष्ट, शीतल घिमरी, इन सबको आप जानते हैं। तो दोस्तों, एक बहुत ही रोमांटिक ये कॉमेडी फिल्म है और काफ़ी दिनों बाद ऐसी फिल्म आई है जिसको कि बिना एज गैप को के किया जा सकता है, देखा जा सकता है, मतलब कि पूरी फैमिली के साथ इसका लुफ्त उठाया जा सकता है। इसकी शूटिंग जो है वो मेरठ, बागपत और आसपास के हिस्सों में हुई है। 15 नवंबर को ये फिल्म रिलीज़ हो रही है। तो आइए सीधा चलते हैं जय सिंह के पास और जानते हैं कि क्या फिल्म के बारे में क्या तैयारियां की गई थी, किस तरीके से फिल्म को लेकर के इनकी सोच है और किस तरीके की ये फिल्म रहेगी। सर, आपकी फिल्म 15 नवंबर को रिलीज हो रही है बागपत का दूल्हा, जी क्या ये कहानी है और किस तरीके का किरदार आपने निभाया है इसमें? ये कहानी है दो परिवारों के बीच की लड़ाई की। जो परिवार जो एक दूसरे के दुश्मन हैं, उनके बच्चे भी एक दूसरे के दुश्मन हैं और वो लोग नहीं चाहते हैं कि वो दोनों साथ रहें, लेकिन एक मंत्री के दबाव में आने की वजह से उनको शादी करने का प्रस्ताव दिया जाता है, उनको मानना पड़ता है। अब इस शादी से बचने के लिए वो लोग जो टंटे करते हैं, इससे कॉमेडी उभर के आती है। तो ये कॉमेडी रोमांटिक ड्रामा मूवी है। मेरा किरदार इसमें शिव शुक्ला का है। शिव शुक्ला अपने फादर के केबल बिजनेस को बहुत अच्छे से चला रहा है, लेकिन अंजलि जो है वो उसकी दुश्मन है और उसे केबल बहुत चुराती है, तो इन दोनों का झगड़ा चलता रहता है। तो पूरी मूवी में हम दोनों लड़ते ही रहते हैं बस, तो इस तरीके का कुछ करेक्टर है मेरा। समाज में इसका क्या संदेश है सर, किस तरह के देना चाह रहे हैं? जी 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 सर, समाज में मूवी के जरिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं? समाज के लिए मूवी, मतलब समाज में मूवी ये इस तरीके का संदेश है। मैं ऐसा कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलूँगा कि एक बहुत बड़ा संदेश है, लेकिन एक हस्ती खिलखिलाती गुदगुदाती मूवी बनाने की कोशिश की है। जो हर मूवी में कुछ मैसेज हो, ऐसा जरूर मैसेज हम अपने आप से निकाल सकते हैं, जैसे कि अंत में सब कुछ अच्छा ही होना है, ये मैसेज है। प्रमुख कलाकारों की बात करें तो कौन कौन लोग इसमें अभिनय कर रहे हैं? प्रमुख कलाकारों में सर रजा मुराद जी है, उनको आप पहली बार एक अलग किरदार में देखोगे। रजा मुराद जी इंडस्ट्री में लगभग उन्होंने सारी मूवी विलन के तरीके से ही की हुई, ये पहली मूवी ऐसी है जिसमें रजा मुराद जी कॉमेडी कर रहे हैं, तो आपको देखने को मिलेगा। रजा मुराद जी को आज तक किसी मूवी में किसी ने डांस करते हुए नहीं देखा होगा, इस मूवी में देखने को मिलेगा। शूटिंग कहाँ कहाँ हुई है? सर शूटिंग हुई है इसकी बागपत, शोभापुर, मेरठ के कुछ और इलाकों में और
मेरठ के ही नज़दीक, मतलब यूपी में बहुत सारी जगह मुझे 40 दिन का शूट था और 10 से 12 दिन मुंबई में शूट हुआ है सर। ये आपका डेब्यू है? जी हाँ, मेरी फर्स्ट मूवी है।